नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इससे पहले हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी की हमने प्रस्तावना पढ़ लिया था। हम आगे उसे कंटिन्यू भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। पर अगर हम सोच रहे थे कि अगर हम एक सब्जेक्ट और साथ में ले लेते और दोनों को पैरेलल चलाते तो शायद चीज़ें बोरिंग भी नहीं होती और बेहतरीन तरीके से हो भी जाती। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का। हमें लगा पहले कि मैं इंडियन ज्योग्राफी चालू करूं, फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से टच करते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए हमने पहले क्या लिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी लिया है। इसको हम कंप्लीट करते हैं और हमारा पॉलिटी भी चलता रहेगा, है ना। तो आइए हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व भूगोल का आज हम इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, है ना। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या कैसा है और कल से हम इसकी क्लासेस देखेंगे। आइए देखते हैं ये जो जो ज्योग्राफी शब्द है ये कहाँ से आया है। ये ग्रीक शब्द है। कहाँ का शब्द है? ये ग्रीक शब्द है ये, है ना। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलके बना है। एक है जियो, एक है ग्राफिया। एक जियो और एक ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है विवरण। पृथ्वी का विवरण क्या है? पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का विवरण, यही क्या होता है, जियोग्राफी होता है। आपने दो तीन शब्द कई बार सुने होंगे, आगे देख लेते हैं। एक आपने सुना होगा लोगो, जैसे जैसे होता है जियोलॉजी, है ना। तो लास्ट में लोगोलॉजी आता है। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में लोगो आ जाए, लोगोस आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन करना होता है, ठीक है। अगर किसी शब्द के लास्ट में फिया आए, जैसे जियोग्राफी, है ना, ज्योग्राफी। अगर किसी लास्ट के शब्द में फिया है उसका मतलब होता है विवरण। क्या मतलब होता है? विवरण मतलब होता है। और अगर किसी शब्द के लास्ट में मैट्री आए उसका मतलब होता है मापन। मैट्री अधिकांश यूज होता है मैथ में, जैसे जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, है ना। ये शब्द मैट्रिक्स हो गया, ये शब्द कहाँ शब्द यूज़ होते हैं? मैथ में ज़्यादातर होते हैं। तो ये तीन शब्द का मतलब हमने समझ लिया। और एक बात और हम देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो अगर फादर ऑफ जियोग्राफी की बात आती है तो कौन है? हिकैटियस। कौन है? हिकैटियस साहब एक थे जो ग्रीक थे, तो हिकैटियस है। पर अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, व्यवस्थित सिस्टमेटिक जियोग्राफी का जनक कौन है, तो हम किसका नाम लेंगे? हम नाम लेंगे इराटोस्थनीस। किसका नाम लेंगे? इराटोस्थनीस का। ये व्यक्ति कौन से थे? ये ग्रीक स्कॉलर थे जो व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं, ठीक है। आइए हम तीन चार शब्द और देख लेते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जियोग्राफी पे, अपना भूगोल पे अपना योगदान दिया है, और हम उन्हीं का नाम देखेंगे जिन्होंने पहली बार कुछ किया होगा, है ना। पहली बार वालों को देखेंगे। सबसे पहले इसमें एक नाम आता है एनैक्जीमेंडर। किसका नाम आता है? एनैक्जीमेंडर। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया का पहला मैप बनाया था। क्या बनाया था? पूरी दुनिया का पहला मैप बनाया था, ठीक है। फिर एक व्यक्ति और आते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है एनविले। एनविले नाम है उनका। एनविले कौन थे? ये भारत का पहला मैप बनाने वाले थे। कौन थे? जिस व्यक्ति ने भारत का पहला मैप बनाया था वो कौन था? एनविले। एक नाम और है, आप लोग कई बार अगर पढ़ेंगे तो एक नाम और आएगा, वो नाम क्या है? जेम्स रेनल। जेम्स रेनल जी भी थे, उन्होंने बनाया था, पर ये पहले व्यक्ति थे, वो सेकेंड पर्सन थे, है ना। एक नाम और है, वो क्या है? पटोलमी, है ना। पटोलमी साहब कौन थे? इन्होंने वर्ल्ड मैप पे भारत की लोकेशन बताई थी। क्या बताई थी? वर्ल्ड मैप पे भारत की लोकेशन बताई थी, क्योंकि जो पहले का मैप बना था, जो वर्ल्ड मैप बना था, वो इतना जैसे आज का आधुनिक मैप है वैसा नहीं था, वो एक रफ़ तौर पे बनाया गया था। तो उसमें भारत की लोकेशन को पहली बार किसने बताया था? पटोलमी साहब ने बताया था, ठीक है। फिर एक व्यक्ति और थे जिन्होंने क्या किया था, सॉरी यहाँ पर भारत नहीं, यहाँ पृथ्वी होगा, यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वी। तो जिन्होंने पृथ्वी की पहली बार परिधि और एक्सिस बताई वो कौन थे? वो यही व्यक्ति थे जो भूगोल के जनक हैं, इराटोस्थनीस। इराटोस्थनीस कौन व्यक्ति थे? जिन्होंने पृथ्वी की पहली बार परिधि और एक्सिस बताई, है ना। ये देखिए, अगर ये हमारी पृथ्वी है, इसमें ये क्या है, इसकी एक्सिस है, जहाँ से ये रॉड निकली हुई है पृथ्वी के आर पार, जहाँ से जिस जगह पर ये जो ग्लोब हमारा टिका हुआ है, ये क्या है, उसकी एक्सिस है, और ये क्या है, उसकी ये उसकी क्या है, परिधि है ना। तो पहली बार परिधि और एक्सिस बताने वाले व्यक्ति कौन थे? पहली बार एक्सिस और परिधि बताने वाले व्यक्ति कौन थे? यही जो इसके जनक भी थे, इराटोस्थनीस थे, है ना। जब हम चालू करेंगे इसका, हम इसमें देख लेते हैं ब्रांचेस क्या क्या हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें दो ब्रांचेस हैं, एक है ह्यूमन जियोग्राफी और एक कौन है, फिजिकल जियोग्राफी, है ना। ह्यूमन और फिजिकल जियोग्राफी,
तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, जैसे है हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। आज हम इस टाइम पे वर्ल्ड के टॉप में आ गए हैं जनसंख्या के मामले में, है ना। फसलें क्या होती हैं, खनिज क्या होते हैं, कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कौन सी फसलें होती हैं, किस मिट्टी में कैसी फसल हो सकती है, ये सब बातें जानेंगे। परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि परिवहन क्या होता है, वायु परिवहन क्या है, सड़क परिवहन क्या है, रेलवे हो गया, इससे कितना पॉल्यूशन निकलता है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। फिर आता है क्या, सांस्कृतिक तत्व। ये जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है सांस्कृतिक, कि जो हमारा सांस्कृतिक पोर्शन है कि कौन कैसा कल्चर है, क्योंकि ज्योग्राफी डिफाइन करती है आपका कल्चर क्या होगा, कहाँ किस ज्योग्राफी पे कौन सा कल्चर डोनाइट फैलेगा, ये ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है, है ना। अगला क्या आता है, कृषि। कृषि पे देखते हैं हम, कृषि पे क्या है कि कहाँ पे कौन सी कृषि हो रही है, कृषि हमारे मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कृषि को कैसे किया जा सकता है, उसके क्या क्या इक्विपमेंट हो सकते हैं, क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। फिर क्या है, पशुपालन। पशुपालन क्या है, देखिए पशुपालन भी क्या होता है, ज्योग्राफी से बहुत बड़ा इसका एकदम सीधा लिंक है कि जैसे जैसे हम ठंडे प्रदेशों की ओर जाएंगे, ठंडे देशों की ओर जाएंगे, तो आप देखेंगे वहाँ के जानवरों की जो वेशभूषा है वो बदलती चली जाएगी, और जैसे जैसे हम गर्म प्रदेशों की ओर जाएंगे, गर्म देशों की ओर जाएंगे, तो वैसे जानवर जो है वो अलग तरह के मिलते चले जाएंगे। तो जो ज्योग्राफी है वो जानवरों के लिए भी बहुत ज़रा वो है, मतलब बहुत बड़ा फैक्टर बनाती है। फिर उद्योग है, हम उद्योग देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा उद्योग लग सकता है, कहाँ पे खान है, कहाँ पे पानी की व्यवस्थाएँ हैं, पहाड़ी एरियों पे कौन सा उद्योग लग सकता है, मैदानी एरिया में कौन सा उद्योग लग सकता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। फिर आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी पे। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उस पर सबसे पहली बात क्या है, स्थल मंडल। स्थल मंडल यही जो हमारा यहाँ पे स्थल है, जितनी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना, स्थल जितना भी हमने बताया ये सब स्थल मंडल के अंदर आता है, नदी नाले पहाड़ पर्वत सब कहाँ स्थल मंडल पे आता है। फिर क्या आता है, वायुमंडल। वायुमंडल हम ऊपर की बात करेंगे कि कौन सा कितने हमारे पृथ्वी के क्या ओजोन परत है, क्या क्या सूर्य है, क्या चंद्रमा है, क्या अंतरिक्ष है, क्या ब्रह्मांड है, ये सब बातें हम करेंगे किसमें, सौर वायुमंडल में, ठीक है। फिर आता है क्या, जलमंडल। जलमंडल में समुद्र कितने हैं, क्या समुद्र होता है, क्या ओशियन होता है, क्या महासागर होता है, क्या जल संधियाँ हैं, है ना, कितने झीलें हैं, मीठा पानी खारा पानी की झीलें, काफ़ी लंबा चैप्टर है इसका। फिर आता है जैव भूगोल। जैव भूगोल एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें क्या बताते हैं हम, इसमें हम पढ़ते हैं जैव भूगोल में कि क्या चीज़ें, जैसे पशु पक्षी भी होते हैं, इंसान होते हैं, सबके बीच समन्वय बनता है, एक बुरा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वही सब किस पे आएगा, जैव भूगोल पे आएगा। सेम वही चीज़ क्या है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, हमारे जो चारों ओर तारा फैला हुआ है ये सब क्या है, पर्यावरण है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन रहता है, कैसे सब लोग असमंजस बना के रहते हैं, ये सब किस में पढ़ेंगे हम, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पढ़ेंगे। तो यही सब हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, कल जब हम इसी का चैप्टर चालू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इसी को हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर शायद हम इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ इसकी आगे वाली क्लास को, और हमारी पॉलिटी क्लास भी चलती रहेगी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।